हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एमके इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम सबमर्सिबल मोटर कौन सी लें, V4 या V6, और साथ ही जानेंगे कि V4 और V6 मोटर में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों जो V6 सबमर्सिबल मोटर होती है वह V4 की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है और V4 मोटर कम मोटी होती है। V4 मोटर V6 की तुलना में ज़्यादा लंबी होती है, यानी कि V4 मोटर ज़्यादा लंबी और मोटाई में कम होती है, जबकि V6 मोटर लंबाई में कम और मोटाई में ज़्यादा होती है। V4 मोटर 8 या 6 इंच वाले बोर के लिए उपयुक्त होती है और V4 मोटर 6 या 4 इंच वाले बोर के लिए उपयुक्त होती है। या मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आपका बोर 4 इंच का है तो आपको V4 मोटर का उपयोग करना होगा। आप इस तरह के बोर में V6 मोटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बोर 6 इंच वाला है तो आप V6 और V4 दोनों प्रकार के मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। V6 मोटर में जो पंप लगाया जाता है उसमें एम्पुलर धातु के बनाए जाते हैं, जो कि कम खराब होते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक भी चलते हैं। वही अगर V4 मोटर के पंप की बात करें तो इसमें प्लास्टिक वाले एम्पुलर ज़्यादातर इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो इस तरह के एम्पुलर जल्दी ख़राब होते हैं और मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा होता है। V6 मोटर में एम्पुलर की संख्या को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एम्पुलर एक ही साइज़ के होते हैं, जबकि V4 मोटर में एम्पुलर की संख्या घटाने या बढ़ाने के लिए अलग अलग साइज़ के एम्पुलर का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपकी मोटर में एम्पुलर की संख्या 15 है या 15 स्टेज की मोटर है, तो आपको एम्पुलर की संख्या को बढ़ाने के लिए आपको छोटी साइज के एम्पुलर का प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मोटर में एम्पुलर की संख्या ज़्यादा है तो आपको बड़ी साइज वाले एम्पुलर का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि हमें पूरे एम्पुलर को ही चेंज करना पड़ेगा। जबकि V6 के अंदर हमें संख्या को बढ़ाना है, जैसे कि मान लो आपके मोटर में एम्पुलर की संख्या 6 है और आप 8 एम्पुलर लगाने हैं, तो उसकी आपको उसी साइज के 2 एम्पुलर की और आवश्यकता होगी। अगर हम प्राइस की बात करें तो हमें V6 मोटर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे और V4 के लिए कम पैसे। कहने का मतलब यह है कि V4 मोटर की तुलना में V6 मोटर ज़्यादा महंगी पड़ती है। V6 मोटर का वज़न ज़्यादा होता है, इसलिए मोटर को निकालते समय और बोर में डालते समय ज़्यादा परेशानी होती है, जबकि V4 मोटर वज़न में कम होती है, इसलिए निकालते समय और बोर में वापस डालते समय कम परेशानी आती है। V6 मोटर का बोर में फंसने का ज़्यादा चांस होता है, जबकि क्योंकि यह मोटर थोड़ी मोटी होती है इस कारण इसमें बोर के अंदर गैप कम रहता है और मोटर के अंदर फंसने का चांस ज़्यादा होता है, जबकि V4 मोटर कम मोटी होती है, जिससे इस तरह के मोटर का बोर में फंसने का चांस कम ही रहता है। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि V6 और V4 मोटर में क्या अंतर होता है। हालांकि एक दूसरे की अगर तुलना करें तो फायदे और नुकसान दोनों में ही हैं, अतः मोटर सोच समझ कर ही खरीदें। आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।